हाय मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मोंटेसरी 3 कैसे हो? और सब घर में सब पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना मेरा पढ़ाई, किसे में पढ़ा रहा हूँ? जो जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है शायद? मेरे ख्याल से तुम लोग भाई घर से नहीं निकल रहे हो ना, बदमाशी घर में तो हो रहा होगा ना? बदमाशी मत करना घर में, क्योंकि बाहर बदमाशी करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कोरोना आ जाएगा। तो घर से निकलना ही मत, एकदम बड़ा घर में अपना फिट रहना, और जो भी पढ़ाई आप लोग को दिया जा रहा है उसको अच्छी तरह से घर में बैठ के करना। ओके, तो मैंने आप लोग को आगे पढ़ा चुका हूँ मोंटेसरी के, आपका हिंदी में, हिंदी का सब्जेक्ट जो मैं आपका हिंदी टीचर हूँ विजय सर, आप लोग मालूम है, तो मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ हिंदी। तो चलते हैं आगे और हिंदी पढ़ेंगे। बहुत दिन हो गया आप लोग तो फोन टोन तो नहीं कर रहे हो, दुख लग रहा है। चलो ये क्या बात है, शायद तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई सब समझ पा रहे हो, इसलिए मुझे याद भी नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, घर में बैठ के ठीक से पढ़ाई करो। और आज फिर आपके संग में विजय सर हिंदी मोंटेसरी किताब के संग शुरू करते हैं। मैंने आप लोग को शब्द ज्ञान के बारे में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। वो है आपका अ से आ से, छोटी से और बड़ी से, छोटी उसे, बड़ी उसे, री से, ए से, ओई से, ओ से, औ से, अंग से तक मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मेरे ख्याल से आप लोग सब इस तरह से इस सब घर में शायद कर चुके होंगे। तो उसके बाद चलते हैं क से शुरू करेंगे, इसको भी आप लोग घर में कर दिए होंगे। क से शुरू करेंगे, क्या है क से? क से क्या है? क से कबूतर, क से कलश, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खजूर, ख से खरबूजा, ग से गमला, ग से गधा, ग से गाजर, और घ से घड़ी, घ से घर, घ से घोड़ा। और वहाँ से तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो क ख ग घ तक हम लोग पढ़े। उसके बाद आते हैं च से चाबी, च से चक्र, च से चम्मच, छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत्र। उसके बाद ज से जग, ज से जहाज, ज से जूते, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झाड़ू। उसके बाद नियो से तो कुछ नहीं है। फिर आते हैं आपका ट से टमाटर, ट से टब, ट से टोकरी, ठ से ठग, ठ से ठठेरा, ठ से ठेला। उसके बाद क्या है? ड से डमरू, ड से ड्रम, ड से डालिया। उसके बाद ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली। इस तरह से आपको इसको पढ़ना है, रीडिंग पोजिशन पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? पढ़ने के बाद इसको अच्छी तरह से समझना है। तो ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक बेटा। मैं आप लोग को भी कुछ हार्ड कॉपी दूंगा जो कि आप लोग इजी होगा घर में करने के लिए, तो वो हार्ड कॉपी मैं आपको बना के दूंगा। ओके।